कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत। हम आशा करते हैं आप सुस्थित हैं और कार्तिक महीने के बाद अपनी अतीव कृष्णमय चेतना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, कम से कम एक महीना। तो हम थोड़ा वापस रिवीजन करेंगे क्या क्या हो चुका है उसके बारे में, फिर आज के श्लोक की तरफ जाएंगे। तो ये ईशोपनिषद, ईश उपनिषद, ऐसा ज्ञान जो भगवान के पास हमें लेकर जाता है। यह ईशोपनिषद 108 उपनिषदों में महत्वपूर्ण माना जाता है और खास करके प्रभुपाद जी ने इसको चुना। क्यों? क्योंकि मायावादी जो होते हैं वो खुद को उपनिषदों में बहुत माहिर मानते हैं। उनको लगता है कि उपनिषद हमारे साइड में है और ये पुराण और भक्ति वगैरह जो अन्य ग्रंथ है वो इतने मायने नहीं रखते। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी, उन्होंने तय किया कि वेदांत जो है उपनिषद, सारे वेदों का सार, उसके भक्ति तात्पर्य अगर दिए जाए तो शायद ये मायावादियों की आंखें खुल जाए। दूसरा, ये जो उपनिषद है ये दिखने में ऐसे कटहल के समान लगते हैं, है ना, बाहर से एकदम शुष्क, मराठी तो ओबड़ धोबड़ मंटा तरह, और अंदर क्या रहता है, बहुत मीठा उसका पल्प रहता है। ऐसे ही ये उपनिषद जो है वो वास्तविकता में ईश उपनिषद बोल ही रहे ना, भगवान की तरफ, ईश की तरफ लेकर जाने वाला। ब्रह्म उपनिषद नहीं बोला गया, ब्रह्मन की तरफ ले गया। तो यह उपनिषद जो है इसका जो वास्तविक मतितार्थ है, जो व्यासदेव को या हमारे पूर्वज आचार्यों को इंगित है, वो प्रभुपाद जी सामने लाना चाहते थे। और इसीलिए ये जो खास करके पुस्तक चुनी गई है ये हमारे सबके आध्यात्मिक जीवन में विशेष महत्व रखती है। इस पुस्तिका में हम सीखते हैं व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे करनी है, खास करके तात्विक स्तर पर प्रचार करते समय भावुकता के द्वारा नहीं, तर्क के द्वारा लोगों को कैसे समझाना है भगवान का भगवत ज्ञान जो है वो। और तीसरा, जो अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याएं हम देख रहे हैं, साम्यवाद का अपना तरीका, फिर पूंजीवाद उनका अपना, या फिर समाज में हम देखते हैं कि कितनी दुरावस्था है गरीब और अमीरों के बीच में, या टेक्नोलॉजी जानने वाले और ना जानने वाले लोगों के बीच में कैसे तफावत बढ़ रही है, उससे क्या क्या अलग अलग समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, या फिर एनवायरमेंटल समस्याएं वो जो बढ़ रही है। तो भक्ति जो तत्व है या उपनिषद ज्ञान जो है, क्या है केवल पुस्तकी ज्ञान है या इसका व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग किया जा सकता है? तो ये दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ये सारे तात्पर्य दे रहे हैं कि वी हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर इसको स्वीकार करता है कोई तो हम जीवन के बहुत सारे मूलभूत समस्याओं का हल कर सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो इसीलिए हम ये ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, प्रीचिंग, सॉल्विंग सोशल इविल्स, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। और इसके साथ ये जो सारे श्लोक हैं इतने सुंदर तरीके से रचे गए हैं। आप देखो, पहला ही श्लोक था ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। मुझे याद है बहुत सालों पहले हमको एक सर्वधर्म शांति सभा, इसमें बुलाया गया था, इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव करके मुझे प्रतिनिधि के रूप में मैं गया था। तो वहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, बहुत सारे हिंदू धर्म के ना, बाबा, बुआ, अम्मा, आंटी वो सारे अलग अलग सब लोग आए थे। और उनका कहना था कि आप अपने अपने जो भी धर्म आप पालन कर रहे हो उसमें से कुछ आपको एक या दो मिनट दिए जाएंगे, आप उसके गहनतम लेकिन बहुत ही व्यावहारिक किसी प्रार्थना को गाकर हमें समझाओ। तो ये इन्वोकेशन था उस
पूरे समारोह का कि हर एक जन अपना अपना बोलेगा. तो क्रिश्चियन ने ओ लॉर्ड दाउ आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम यू नो वो सब बोला. फिर वो मुसलमान आया, उसने क्या बोला पता नहीं, लेकिन उसने अर्थ समझाया कि अल्लाह बहुत महान है और वह हमारे समझ के बाहर है और हम केवल इस्लाम मतलब शरणा पूर्ण शरणागति के द्वारा ही उनको जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं. तो फिर ऐसे करते करते मेरा टर्न आया तो मैंने ये श्लोक चुना था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति. तो मैंने उसका मीनिंग समझाया कि हम ये मानते हैं हमारे वैदिक सनातन धर्म में कि भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा निकलने वाली यह सृष्टि पूर्ण है, यहाँ जो भी अपूर्णत्व हमें दिखाई पड़ रहा है वो हमारे भगवान के बारे में अपूर्ण ज्ञान के कारण हमें दिखाई पड़ रहा है. तो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने से और भगवत भक्ति को अनुकूल करने से हम पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा त्रिविध तापों की शांति होती है, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक. ओम शांति शांति शांति. तो ये इस प्रार्थना का मतलब है. तो अब तक जो सारे प्रार्थना हुए थे उसमें लोगों ने कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया था, पता नहीं क्यों मेरे वो बोलने का सबने टाली बजाया. उनको उनको समझ में आया कि ये शायद थोड़ा ज्यादा ढांसू था जो बोला गया वो. तो बाद में जो समारोह आयोजन करने वाले थे वो आके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे, वो बोल रहे थे क्या बोला स्वामी जी आपने. मैंने बोला मैंने नहीं बोला, प्रोपर ने बोला. हम सिर्फ पैरट तोते के जैसा बोल रहे. तो ये ज्ञान बहुत सही में इसका जो डेप्थ है, गहराई है, इसकी जो व्यापकता है, इसका जो खास करके समर्पकता है भौतिक जीवन में ही, ये बहुत ही बहुत हमें सबको ये क्या कहते हैं आस होनी चाहिए कि इस ज्ञान को कैसे मैं अनुकूल करूं और कैसे जाके लोगों तक पहुंचाऊं. तो ये मूलभूत चीज़ को पकड़कर हमें इस ईशोपनिषद को श्रवण करना चाहिए. और उपनिषद जो होते हैं वो बहुत समझने में कठिन होते हैं, इसलिए गुरु के पास जाकर उपनिषद उनके पास सामने बैठकर सुना जाता है तब कुछ समझ में आने लगता है कि अरे हाँ ये ऐसा होता है. फिर हमने देखे पहला श्लोक क्या था, ईशावास्यमिदं सर्वम्, वो परिभाषा सूत्र कहलाया जाता है. मतलब ये पूरे 18 के 18 श्लोक में किसके ऊपर विवरण होगा, तो ईशावास्य संकल्पना, ईश का आवास, भगवान सब चीजों के नियंता, मालिक, उपभोक्ता और उनमें व्याप्त ऐसे है, यह देख पाना या इसके अनुरूप व्यवहार करना, यह सिखाने के लिए पूरा ईशोपनिषद बताया गया है. तो ये वास्तविक ज्ञान है. सदरची मिळकत कृष्णा वसुदेव यादव यांच्या मालकीची हाय, अतिक्रमण करणाऱ्यावरती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तो ईशोपनिषद का पाटी भगवान ने लगा के दिया इधर. तो इसको ईशावास्य को पालन करने से या ना करने से क्या होता है वो भी बताया है कि हम गर्भ असुरिया अलग अलग निम्न योनि में प्रवेश करते हैं जब इसको ईशावास्य को पालन नहीं करते हैं. लेकिन अगर पालन करते हैं तो 100 साल जी सकते हैं अलग अलग कर्मों में, चाहे वो भक्तियुक्त कर्म ही नहीं, पारिवारिक कर्म, सामाजिक कार्य, अन्य कोई भी इज्म, हाँ फिलैंथ्रोपिज्म, नेशनलिज्म, इसको इसको पकड़ के कर सकते हैं. अगर ईशावास्य भावना की भावना से करेंगे कर्म बंधन नहीं लगेगा. जैसे कोई वैक्सीनेशन लेता है और वो एकदम मलेरिया या कॉलरा वाला एरिया में भी चला जाता है, उसको कुछ नहीं होता. वैसे ईशावास्य चेतना लेकर जो व्यक्ति किसी भी मानवीय प्रयत्नों के क्षेत्र में घुसता है उसको कर्म बंधन नहीं लगता. तो क्या धासु ज्ञान है. फिर उसके बाद क्या है तीसरा श्लोक, हाँ तो उसके बाद चर्चा आने लगती है कि ये जो आत्महन जन मतलब आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, भक्ति न भक्ति को अनुकूल न करने वाले, वे कहाँ जाते हैं. फिर चौथा और पांचवा श्लोक जो है वो शुद्ध भक्त जो होता है वो भगवान को कैसे देखते हैं उसका वर्णन है. अनेज देख मनसो जवीयो, तो ये ईश्वर है कौन जिसके बारे में हम बड़बड़ कर रहे हैं इतनी सारी, तो उसका वर्णन बताया गया है.
कि अनेजत है, हिलते नहीं एक जगह से, एकम एक ही जगह स्थित है, मनसो जवियो, लेकिन मन के भी स्पीड से ज्यादा भागते रहते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। या फिर तदे जति तन्नई जति, हाँ वो हिलते नहीं अपनी जगह से लेकिन वो दौड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये शुद्ध भक्त ईश को कैसे देखता है। अभी शुद्ध भक्त जीवों को कैसे देखता है उसका वर्णन। तो छठा जो मंत्र था यस्तु सर्वाणि भूतानि, वो एक आध्यात्मिक विजन प्रदान करता है हमको कि जीवों को कैसे देखना है, कि सारे जीव भगवान में स्थित हैं उनके ही अंश रूप में। और इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, एकत्वम अनुपश्यतः, हमको लगेगा कि हम कृष्णा वसुदेव यादव नामक व्यक्ति के फैमिली के सब सदस्य हैं, हमको हमको किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं, हम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हाँ ऐसे बोलते हैं ना। तो हम ऐसे नहीं कि केवल मानवों को प्रेम करेंगे और गायों को काटेंगे, हाँ ऐसे नहीं, हम सब एकत्वम अनुपश्यतः। उसके बाद यस्मिन सर्वाणि भूतानि तत्र को मोह क शोक, तो मोह और शोक से हम ऊपर उठ जाएंगे इस विजन को प्राप्त करके, इस दृष्टि को प्राप्त करके। तो यह हुआ छठा और सातवां मंत्र। फिर आठवां जो मंत्र है वो वापस ईश का वर्णन आ रहा है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। तो भगवान के अलग अलग गुणों का विशेषण देकर वर्णन किया जा रहा है कि भगवान क्या है। तो हमने इसको खास करके अर्च विग्रह के प्रति इस श्लोक को कैसे हमें देखना है इसके बारे में चर्चा की थी। कभी कभी हमको लगता है अर्च विग्रह क्या, वो तो भौतिक तत्वों से बना है इत्यादि, तो ये श्लोक हमें मदद करेगा कि कैसे भगवान के विग्रह वो दिव्य कलेवर है, वो भौतिक तत्वों से नहीं बना। फिर उसके बाद मंत्र 9, 10, 11, 12, 13 ये सब क्या कर रहे हैं, 14 तक खास करके ये अविद्या विद्या असंभूति संभूति, हाँ इन दो शब्दों के ऊपर अच्छा खेल चल रहा है, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य इतना ही है, गेट राइट नॉलेज परफॉर्म राइट वर्शिप, वास्तविक सही ज्ञान प्राप्त करो और सही प्रकार की आराधना या उस ज्ञान का अनुशीलन अपने जीवन में शुरू करो। तो ये उसका मेन थीम है ये सारे श्लोकों का, 6 के 6। तो हमने 9वां और 10वां देखा है ना, तो 9वें में क्या देखा, विद्या और अविद्या का वर्णन। तो 9वें श्लोक में अविद्या क्या है और विद्या क्या है, कौन बताएगा? अविद्या क्या है, देहात्म बुद्धि जो है जिसके द्वारा हम भौतिक जीवन को सर्वस्व करके अपनाते हैं, वो अविद्या है। वो उससे क्या होता है, अंधम तमः प्रविशन्ति, हम अंधकार में ऐसे योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। आपने देखा है कॉकरोच जो रहता है कहाँ रहता है, नो डार्कनेस। हालांकि अभी सुअर है कुत्ते हैं उनकी आंखें होती हैं, लेकिन वो आंखों से ज्यादा नहीं देखते हैं, वो नाक से देखते हैं। तो उनका जो देखने का भी क्षमता है वो निकाल दिया गया बहुत सारा। सही में अंधकार में रहते हैं वो लोग, इसलिए कुत्ते मरते क्यों हैं गाड़ी के नीचे आकर, क्योंकि उनको जल्दी दिखाई नहीं पड़ता, वो गाड़ी आके ठोकर मारने वाला है अभी। आपने देखा ना हाईवे पे होता है कभी कभी। तो ये अंधम तमः प्रविशन्ति, सही में ऐसा जन्म मिलता है व्यक्ति को
अविद्या का उपासना करने से। और ये बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किया है कि ये अविद्याम उपासते मतलब ये व्यक्ति अपना जी जान लगा के उपासना कर रहा है, मतलब वो बहुत गंभीर है उस मामले में। उसको लग रहा है कि ये भौतिक जीवन हम होंगे कामयाब एक दिन, तो उसके कारण उपासना कर रहा है उसकी, उसको उसके आगे पीछे कुछ दिखता नहीं। लेकिन उससे भी अधिक गहन अंधेरे में कौन जाता है? विद्यायाम रता, जो ऐसा ज्ञानार्जन के पीछे लगे हुए हैं, तथाकथित ज्ञान, जो भगवान से हमें विद्मुख करा देता है। तो देहात्मा बुद्धि है, कोई एबोरिजिन या किधर उधर जन्म लिया उसने, वो एक लेवल का पतन होगा उसका इवोल्यूशनरी स्केल में, योनियों में निम्न योनि मिलेगी। लेकिन जिसने पीएचडी प्राप्त किया, भौतिक ज्ञानार्जन किया, और वो ज्ञान प्राप्त करके भगवान को कैसे नकारना, नास्तिकता को उसे कैसे बढ़ाना, भौतिक भोग और अच्छे से कैसे करना, यूट्यूब ये सब उद्योग को अपना कैसे अपनाना, ये लोग ज्यादा खड्डे में जाएंगे, ऐसे बोल रहे हो। दिख रहा है कि इसके पास ज्यादा ज्ञान है, विद्यायाम रता हा, लेकिन ये जो पहला वाला था अबोरिजिन आदिवासी, वो उससे भी गहन खड्डे में ये जाने वाला है, ऐसे ये श्लोक बता रहा है। फिर दसवां श्लोक था, एक प्रकार का परिणाम विद्या अर्जन करने से या विद्या की उपासना करने से मिलता है, और दूसरा परिणाम अविद्या की उपासना करने से मिलता है। ऐसा हमने धीर व्यक्तियों से सुना है, येनस्तद विचचक्षिरे। विचचक्षी, चक्षु का मतलब देखना, विचचक्षिरे का मतलब होता है सुनने के बाद देखना। तब तक फालतू अपना आंखों का गर्व करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को दो आंखें हैं, समझ रहे हैं? हम कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। गुरु ने क्या किया? ज्ञान रूपी अंजन से मेरे आंखों को खोल दिया, अभी मैं सही में देखने लगा हूं, पहले नहीं देखता था ऐसे, अभी जो देख रहा हूं वो। तो ये विचचक्षिरे का अर्थ होता है। तो ये प्रभुपाद इसमें क्या करते हैं, इस श्लोक में दसवें, कि वे 18 प्रकार की जो साधना है ज्ञान की, उसका वर्णन करते हैं भगवद्गीता से। और वे कहते हैं कि 13.8 से लेकर 12 तक भगवद्गीता के श्लोक, इनको पालन करो, इसे कहते हैं विद्या का अनुशीलन, इससे एक रिजल्ट निकलेगा, वो क्या है? भगवत धाम प्राप्ति। और इन 18 आइटम को छोड़कर बाकी जो कुछ भी तुम्हें ज्ञान के रूप में दिखाई भी पड़ रहा है, वो सारा अज्ञान जानो। क्लियर है ना? दूध का दूध, पानी का पानी। तो वो सब पालन करने से तुम्हें दूसरा विपरीत नतीजा मिलेगा, वो क्या है? तुम अलग अलग इजम्स में फंस जाओगे, नेशनलिज्म या सुडो रिलीजन, धर्मध्वजी बन जाओगे, या तुम अहिंसा के नाम पर अपने तथाकथित जीवन को जियोगे। वेगन्स देखा ना आपने, गाय का भी दूध नहीं पीते वो लोग, वेजिटेरियन रहते बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु के चक्कर में गोते खाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसके कारण वो वेगन बनने के कारण वो भगवत धाम चले गए। तो ऐसे सब चीज़ों में तुम फंसोगे नहीं। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि इन 18 चीज़ों को मैं पालन नहीं करूँगा, ऐसे ही जीऊँगा, सात्विक रहूंगा या अन्य कुछ करूंगा, उससे कोई भला नहीं। अन्य देवाहुर अविद्या, तो अविद्या वो दूसरे नतीजे पर तुमको पहुंचाएगी। तो ये सब प्रभुपाद जी ने बताया था कि हमको दंभ नहीं करना चाहिए, मेरा धर्म तुम्हारे से श्रेष्ठ वगैरह ये सब झमेले, या फिर नेशनलिज्म, या फिर अहिंसा, तो ये सब के पीछे नहीं पड़ना है, उससे गलत नतीजे निकलेंगे, मतलब जन्म मृत्यु का चक्र वापस काटना पड़ेगा,
तो ये इस 10वें श्लोक में बताया गया है। अभी हम जाएंगे आज के श्लोक की तरफ, वो है मंत्र 11। आप कृपया हमारे पीछे दोहराइए। इस मंत्र का शीर्षक है भौतिक रोग का निवारण विद्या और अविद्या के अनुशीलन द्वारा। भौतिक रोग का निवारण विद्या और अविद्या के अनुशीलन द्वारा। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। भाषांतर पढ़िए, माइक है वहां पे सामने। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, ये शरीर क्या है? धर्म साधना करने के लिए दिया गया एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट। तो इस शरीर को कैसे बनाए रखना, इसका एक राइट एंड रॉन्ग मेथड है, सही गलत मार्ग है। तो अविद्या यहां पे उसके बारे में है जो सही तरीके से इस शरीर को कैसे बनाए रखो, उसको अविद्या कहा गया है। अब समझ रहे हो? क्योंकि वो भौतिक ज्ञान है, लेकिन क्या सिखा रहा है? शरीर को कैसे बनाए रखना अच्छे से, जिसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन को सुखरूप कर सके। तो इसे अविद्या कहा गया। तो कहते हैं विद्याम च अविद्याम च, दोनों सीखो। उभयम सह, जैसे कभी कभी ब्राह्मण लोग भी होते हैं, हमारे घर की स्टोरी है। तो एक बच्चा बीमार था, तो वो माता पिता गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कॉड लिवर ऑयल पिला उसको कुछ, तो बीमारी ठीक करने के लिए। कॉड लिवर ऑयल पता है ना आपको, वो एक मछली रहता है जब समुद्र में, तो उसका लीवर को निकाल के उस लीवर का ऑयल बनाते हैं, तो वो खाने से वो बीमारी ठीक होएगा। तो उन्होंने मेरे को पूछा, तुम तो हरे कृष्णा वाले हो, तुम तो इसको शायद सम्मति नहीं दोगे, लेकिन बच्चे की जान बचानी है तो हम क्या करें? तो मैंने पूछा, क्या ये एकमात्र औषध है क्या, ये प्रश्न पूछो उसको और डॉक्टर को। फिर जाके उन्होंने पूछा, तो बोला नहीं और भी बहुत सारा है औषध। तो मैंने बोला तुमको यही क्यों पिलाना है उसको फिर? अगर ये बच्चा आगे आध्यात्मिक जीवन करने ही वाला था तो शायद हम कॉड लिवर पिला के भी उसकी जान बचाते थे, लेकिन अभी के लिए अगर अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, दूसरा कुछ कर सकते हैं, तो इसको क्यों, यही क्यों स्वीकार करना है? तो एक तरीका है शरीर को बनाए रखने के लिए, सही और गलत दोनों मार्ग होते हैं। जैसे लॉयर लोग होते हैं, सही लॉयर होते हैं और गलत टाइप के लॉयर होते हैं। लोग पैसे खाने के लिए कुछ भी करते हैं। डॉक्टर लोग होते हैं, सही डॉक्टर होते हैं और गलत टाइप के भी डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर किडनी चोर, ऑर्गन चोर, है ना, और डॉक्टर साल सूद। तो ऐसे दोनों टाइप। लेकिन समस्या क्या है, उनका जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान है ना, लॉयर गिरी करना, डॉक्टर गिरी करना, या इकोनॉमिस्ट बनना, ये जगत में इकोनॉमी को कैसे चलाने का, उसका भी सही गलत तरीका होता है। तो जो सही तरीका है और गलत तरीका है, वो दोनों जानना है नहीं जानना है? दोनों जानना है ना।
नहीं तो जब गलत के सामने आ जाएंगे तो पता ना होने के कारण क्या होगा, फंस जाएंगे। तो इसीलिए अविद्या क्यों जरूरी है, कोई अगर पूछता है कि अरे तुम तो बोल रहे हो आध्यात्मिक ज्ञान सब कुछ है, अभी गीत भी गाया हमने भक्ति विनोद ठाकुर का, तो फिर अभी क्यों बोल रहे हो कि अविद्या को भी हासिल करो, तो ये कारण है उसके पीछे का, ताकि तुमको कोई ठगे नहीं और वो भौतिक ज्ञान जो तुम काम में ला रहे हो तुम्हारे भक्ति में बाधक बने नहीं, इसके लिए अविद्या का अनुशीलन जरूरी है। तो चीटिंग क्या है, ट्रुथ क्या है, ठगना क्या है, सत्य क्या है, तो कभी कभी भक्त लोग ऐसे उनको क्या कहते हैं, लल्लू पंचू, हाँ ऐसे व्यवहार करते हैं भक्त लोग। जैसे प्रभुपाद जी थे अमेरिका में गए तो उधर एक मिस्टर क्या उसका नाम, उसने लोग भक्तों को ठगा, पैसे लिए और बोला कि ये बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं वो मिस्टर एन जुहू वाला था, ये अलग था, इसका नाम भूल रहा हूँ मैं। तो दिखने में एकदम स्मार्ट था, सूट बूट पहनता था, एकदम जेंटलमैनली उसका बिहेवियर था। तो भक्तों ने उसको पैसे दे दिए और कुछ लिख के भी नहीं लिया पेपर पे, उसकी बातों में आके यू नो प्रभुपाद जी ने, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, वो ठगेगा तुमको तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ भी नहीं कि तुमने उसको पैसे दिए। ऐसा ही हुआ, वो उसने 10 लोगों को प्रॉमिस दे के रखा था कि ये बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दूंगा, सबको ठगा था। उसको लगा ये हरे कृष्णा वाले हिप्पी लोग, इनको क्या, इनको तो ऐसे ही गोल कर दूंगा मैं। फिर प्रभुपाद जी ने वो केस हाथ में लिया, उसका ऐसे धुलाई किया उस व्यक्ति का, जिस प्रकार से उन्होंने उसके साथ कम्युनिकेशन वार्तालाप किया, वो व्यक्ति ने चुपचाप पैसे वापस करे प्रभुपाद के। तो ये प्रभुपाद को अविद्या पता थी नहीं थी, पता थी। अगर प्रभुपाद ऐसे नहीं करते थे तो अब तक हरे कृष्णा आंदोलन पता नहीं कहाँ रहता था। प्रभुपाद इतने शूर थे ये सब मामले में। प्रभुपाद जितने जब मायापुर का लैंड लेना था, तमाल कृष्ण महाराज को भेजा वहां पे, तमाल कृष्ण महाराज गए पेट पर पैसे बांधकर, गड्डी होता ना पैसे का, प्रभुपाद ने सिखाया था वो भी तरीका, बांधते कैसा है पैसा, किधर रखते हैं कैसे, फिर डीलिंग्स कैसे करते हैं इंडिया में ना, क्योंकि वो अमेरिकन है तो उनको सब समझाया था कि बात कैसे करनी है लॉयर्स के साथ, कागजात कैसे बनाने हैं सारे। फिर प्रभुपाद जी कोलकाता टेम्पल में बैठे थे और उस सुबह वो डील होने वाला था मायापुर का लैंड का, तो सुबह से प्रभुपाद जी वेट कर रहे थे तमाल कृष्ण महाराज का, और रात तक नहीं आए वो। प्रभुपाद जी बहुत चिंतित थे, जाग रहे थे, सोए नहीं थे, क्योंकि उस टाइम ऐसे फोन वोन मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, वो पता ही नहीं वो व्यक्ति कर क्या रहे, उसका अब अच्छा हुआ भला हुआ बुरा हुआ कुछ। फिर रात को 11:30-12 बजे तमाल कृष्ण महाराज आए मायापुर से वापस कोलकाता, चल उनको पता था प्रभुपाद जागते रह गए, वो सीधा गए उनके रूम में, दंडवत प्रणाम किया एंड स्माइल हंस कर बोले, प्रभुपाद जी द लैंड इज यूअर्स। प्रभुपाद जी ने एकदम, तो ये हमारे आचार्य सिखाते हैं हमको कि भक्त को भौतिक जीवन में भी कैसे स्मार्ट रहना चाहिए। नहीं तो हमें कभी कभी क्या लगता है, कुछ भक्त बोलते भी है ऐसा कि हम यात्रा लेकर जाते हैं, मैनेजमेंट कुछ करते नहीं है, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, प्रसाद कहाँ से आएगा भगवान भेज देंगे, टिकट कहाँ से बुक होगा भगवान कर देंगे। तो वो एक्सट्रीम है एकदम, कदाचित वो भक्त शायद बहुत शरणागत है, लेकिन जो यात्रा में सब कुछ जो जा रहे हैं वो उतने शरणागत नहीं है, तो उनके साथ अलग अलग आदान प्रदान होगा अंतरंग बहिरंग शक्ति का। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु की लीला थी, उन्होंने पूछा वो अपने नित्यानंद प्रभु और मुकुंद जगन्नाथपुरी जा रहे थे वो, तो उन्होंने पूछा तुमने कुछ पैसा लिया है साथ में, तो उन्होंने बोला नहीं लिया है, तो फिर बोलो अच्छा अभी चलो। फिर कुछ किसी ने भी बोला रहता था कि कुछ लिया है साथ में तो वापस भेज देता था उसको। ये भगवान कर सकते हैं, वो महाभागवत शुद्ध भक्त के रूप में करे, लेकिन अगर हम सोचते हैं ऐसा, जैसे हमारे कुछ ब्रह्मचारी करते हैं ऐसे, रिक्शा में बैठ के जाते हैं, आधा डिस्टेंस जाने के बाद पूछते हैं पैसे किसके पास है बिल देने के लिए, और कंक्लूजन रहता है किसी के पास नहीं है कोई लेके नहीं गया, क्योंकि दैट इज द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड कि वो पैसा लगता है कुछ करने के लिए। फिर बोलते अभी क्या कर रहे हैं, फिर बोलते वहां पहुंच कर देख लेंगे। तो जो रिक्शा वाला सुनता है ये सब डायलॉग्स
आप सोचिए उसके हृदय में क्या चलता रहेगा। पैसे किसके पास है? बोले किसी के पास नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं? बोले वहां पहुंच के देखेंगे क्या, फिर वहां जाके उस डिवोटी को बोलेंगे या वो मंदिर वाले किसी को बुला के प्रभु थोड़ा उसका। तो ये हालत है। तो ये जो वर्ल्डली स्मार्टनेस होता है इसके लिए अविद्या अर्जन जरूरी है, क्योंकि भौतिक जगत थोड़ा जटिल कुटिल बहुत कुछ है। तो भक्त जो होता है वो अपना क्या बोलता है मार्ग निकाल लेता है, वो भक्ति के अनुरूप वो इसमें फंसता नहीं कहीं, और इसीलिए ये जरूरी है। जैसे अजामिल ने वो सेक्स सीन देखा ना जंगल में, तो क्या हो गया, वो अनुभव बहुत गहरा था उसके ऊपर, ऐसा सदमा लगा उसको कि पूरा भक्ति युक्त जो उसका गृहस्थ ब्रह्मचर्य था वो चूर चूर हो गया पूरा। उसके बाद इतना पतन हो गया, 82 उम्र का होने तक उसको 10 बच्चे हुए थे, और उसमें जो सबसे छोटा लड़का था 5-6 साल का, उसका नाम था नारायण, और वो डकैती करके चोरी करके लोगों को मार के उस वेश्या को संतुष्ट करता था जीवन यापन करने के लिए। तो क्यों हुआ? क्योंकि अविद्या का जो डोज चाहिए जितना मात्रा में वो ढंग से नहीं लिया था। तो इसीलिए थोड़ा रफ एंड टफ बनना है तो भक्तों को भी थोड़ा खुला मैदान में छोड़ना चाहिए। खुला मैदान में मतलब ज्ञान के साथ, सारे प्रशिक्षण के साथ छोड़ना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मचारी बनते हैं हमारे मंदिर में, तो उनको क्या बोलते हैं, पहला सारा डिग्री एजुकेशन पूरा करो, 2 साल जाके बाहर घिसो, पैसे कमाओ, सारे तौर तरीके सीखो, दुनियादारी मगजमारी, फिर उसके बाद आके ज्वाइन करो। उसके बाद भी तुम्हारा बचा है अंदर कुछ वैराग्य, क्योंकि वो बैंक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिकली बढ़ता रहता ना, फिगर्स 0-0 आ गए, तो फिर मन में वापस विचार चालू हो जाता है कि ये सब छोड़ के अभी जाना कहाँ। हाँ, तो वो सब भी सब देख के फिर आते हैं। क्यों? हमारा चाहिए कि उसको टर्न बैक नहीं करना है, उसके बाद वापस नहीं जाना चाहिए। तो इसको कहते हैं अविद्या। तो यहां कहा जा रहा है विद्याम च अविद्याम च उभयम सह, दोनों जरूरी है, उसको करवाओ। डोंट बी नाइव, भोला सांब बनने की जरूरत नहीं है। भोला सांब पता है कौन है? शिवजी जो है वो बहुत ही ऐसे क्या कहते हैं, वो भौतिक जगत में ना वो उनका कुछ दिलचस्पी नहीं है। उनको आके कोई भी भस्मासुर रावण या कोई भी आके थोड़ा यू नो कुछ कर देता है तो हाँ कर देते हैं उसको। तो वो उनको चलता है क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, भगवान की तरफ व्यक्तिगत प्रोटेक्शन है उनको कुछ भी होता है। तो हमको ऐसे नहीं बर्ताव करना है। और तीसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज को, अगर आध्यात्मिक ज्ञान को अगर हमको पालन करना है तो किसकी सहायता लगती है? मन और शरीर जो भौतिक है उसकी सहायता लगती है ना। जैसे अभी आजकल के दुनिया में प्रचार करना है तो क्या करना पड़ता है? पहले तो मन और शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिर तुमको थोड़ा ड्राइविंग आना चाहिए, कुकिंग आना चाहिए, कम्युनिकेशन भाषा कौशल्य आना चाहिए। अब ये भौतिक है आध्यात्मिक है? भौतिक है ना ये सब चीज़। टेक्नोलॉजी यूज़ करने आना चाहिए बेसिक थोड़ा, अभी फेसबुक वगैरह की शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन कम से कम SMS भेजने आना चाहिए, एक थोड़ा फोन उठा के बात कैसे करते उतना तो पता रहना चाहिए, है कि नहीं? तो ये जो है हम भौतिक ज्ञान को भक्ति अनुकूल बना रहे हैं, ऐसे ज्ञान को कहा गया है अविद्या। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ से लेके 5वें तक वर्णन आ रहा है कि कैसे अमरत्व भौतिक रूप से असंभव है प्राप्त करना। अमरत्व भौतिक रूप से प्राप्त करना असंभव है, लेकिन अमृतम अश्नुते, हमको चाहिए ना अमृतत्व, अमरता चाहिए, तो प्राप्त कैसे करें वो आगे आएगा। तो पहले से 5वें पैराग्राफ को पढ़ेंगे, कृपया पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ।
भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। नई भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। हरे कृष्णा, मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो वास्तविक दुख है उनको कोई उपाय नहीं करता, लेकिन उनको एक्सेलरेट करने के मार्ग ढूंढ निकाल सकते हैं कि जन्म के समय और दुख कैसे दिया जाए बच्चे को या मृत्यु को कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा विस्तारित किया जाए। तो ये प्रगति का लक्षण नहीं है। तुमने जो मूल समस्या थी उसका तो हल किया नहीं, लेकिन उस समस्या को और बढ़ा दिया। तो अमरत्व प्राप्त करने के जो मार्ग साइंस, टेक्नोलॉजी या अन्य मार्गों के द्वारा किए जा रहे हैं, वे कैसे विफल हो रहे हैं वो प्रभुपाद दिखा रहे हैं। साथ ही में हम सुनते हैं कि कैसे एक बार रावण को गर्व हो गया था कि बहुत सारे देवताओं को उसने परास्त कर दिया इत्यादि। तो एक दिन नारद मुनि उनके सामने आ गए। तो नारद मुनि का तो आध्यात्मिक देह है, तो रावण को चाहिए था कि ये व्यक्ति भी मुझे प्रणाम करे, माने कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। तो नारद मुनि तो भगवत भक्त हैं, उन्होंने कुछ प्रणाम वगैरह नहीं किया। तो रावण गुस्सा हो गया, तो उन्होंने अपनी तलवार लेकर नारद मुनि के शरीर पर वार किया। तो तलवार पूरी आर पार हो गई, लेकिन नारद मुनि के शरीर को कुछ नहीं हुआ। तो रावण एकदम इंप्रेस हो गया, बोला वाह, ये व्हीकल किधर से प्राप्त किया तुमने ये कहां से मिला, ऐसा शरीर कैसे किधर से मिलता है। तो नारद मुनि ने सही में कहा, तुमको केवल एक ही चीज करनी है, तुम्हें विष्णु का नाम लेना है भगवान। तो वाह इम्पॉसिबल मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा उसको। तो ये नास्तिक लोग ऐसे रहते हैं, वो बाकी सारे उपाय करेंगे, लेकिन उनको बोला जाए ये उपाय करके देखो, तो वो कभी जिंदगी में नहीं छूंगा उसको मैं। एक बार हमारे जयद्वीप स्वामी महाराज, वो अमेरिकन है, तो जब वो 50 साल के हो गए तो कोई तो एक मैगजीन है वहां का जो बूढ़े लोगों को नव यौवन वापस प्राप्त करना कैसे उसकी दवाइयों को प्रमोट करता है। तो वो मैगजीन और वो जो कंपनी था ड्रग कंपनी, उन्होंने उनको एक फ्री पैकेज भेजा कि उसका नाम था गिफ्ट ब्रोशर फॉर पीपल अबोव 50 ओल्ड एज रेमेडी, ऐसे उसका नाम दिया था, बुढ़ापे का उपाय। तो महाराज को तो पता नहीं था, महाराज बहुत फिलोसॉफिकल व्यक्ति है, तो उन्होंने ऐसे खोल के देखा वो पैकेज को, तो उसके अंदर ऐसे विचित्र विचित्र दवाएं जिसके द्वारा तुम और शक्ति प्राप्त करो और मैथुन क्रिया करो वगैरह, ऐसा ऐसा कुछ तो था। अभी वो भी सन्यासी को भेजा है, वो अमेरिका इतना विकृत देश है। तो महाराज ने उसको खोल कर देखा, तो उन्होंने उसको लेटर लिखा, उसको ओल्ड पीपल अबोव 50 डोंट नीड ओल्ड एज रेमेडी, दे नीड इल्यूजन रेमेडी। तो उन्होंने बोला था कि उनको ये सब मत भेजो तुम, उनको बोलो तुम वो ना जड़ विद्या जत माया र वैभव जीव के कराए गधा सही गधा होए संसार र बोझ बहिनो अनेक काल। तो ये जो माया का बोझ भो भो के वो मर रहा है वो व्यक्ति, उसका वो माया को रेमेडी करो तुम, उसको ठीक कराओ। अंडे महाराज सेंट भगवदीता अलोंग विथ पैकेज रिटर्न्ड टू दैट कंपनी। तो ये हालत है दुनिया की, बुढ़ा होने के बाद भी लोग क्या करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि अभी तो हो गया ना सिस्टम, क्या कहते हैं, पावर चली गई सारी सेंसेस के द्वारा या इसके द्वारा, तो अभी तो कम से कम विरक्त जीवन करें। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी महाभारत में, तो सब शोक तो कर रहे थे क्योंकि वो अच्छा भक्त था, उनसे लगाव था भक्तों को। तो व्यासदेव आकर कहते हैं कुछ फिलोसॉफी उस समय,
खास करके अर्जुन को सांत्वना देने के लिए। वो कहते हैं नो वन इवन द वर्चुअस कैन इवेड द लॉज ऑफ डेथ। ये दुनिया का हालत ऐसा है कि कितना भी पाप या सॉरी पुण्यशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो मृत्यु को टाल नहीं सकता। तो इसीलिए एक आर्ट ऑफ लिविंग होता है और एक आर्ट ऑफ डाइंग होता है। ये भागवतम सिखा रहा है ना दोनों, आर्ट ऑफ लिविंग। प्रश्न क्या है भागवत का? हाँ, म्रियमाणस्य सर्वथा। वो पूछ रहे कि जीते समय जीते जी क्या कर्तव्य है, और खास करके मृत्यु शैया पर, अभी मृत्यु होने ही वाली है, उस समय क्या करना चाहिए व्यक्ति को, म्रियमाण जो है उसको। तो आर्ट ऑफ लिविंग पूछ रहे, फिर आर्ट ऑफ डाइंग पूछ रहे परीक्षित महाराज। तो इसीलिए इन दिव्य ग्रंथों का सहारा लेके हमें इस भौतिक समस्या जो है मृत्यु रूपी, उसको लांघना चाहिए। मृत्योर्मा अमृतम गमया। दूसरा परिच्छेद पढ़िए। पुराणों से हमें हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सन्मुत राजा था, अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं सृष्टा है और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं है। जैसे कि भगवद्गीता से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अमर है। प्रभु जी उदाहरण दे रहे अभी कि अमरत्व को प्राप्त करने का गलत तरीका किसी ने अपनाया था और उसकी क्या हालत हुई, और वो जो व्यक्ति था हिरण्यकशिपु, वो आज के सारे भौतिकवादी लोगों का सरताज था। मतलब उसकी तुलना में आजकल के भौतिकवादी कुछ भी नहीं है। तो अगर वो यशस्वी नहीं हुआ तो इनको ज्यादा और तकलीफ उठाने की उसके मार्ग पर जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यह सब विवरण चल रहा है। आगे पढ़िए। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कशिपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त महाशय हिरण्यकश्यपु धन तथा श्री इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकश्यपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊँ। उसने यह भी प्रार्थना की मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न ही किसी हथियार से मरूँ। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंततोगत्वा भगवान ने नरसिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे थे। तो तात्पर्य में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना चाहता था वो हिरण्यकशिपु, और उसने बहुत सारे क्लॉज डाले थे उसके अंदर कि यहां नहीं मरने का, वहां नहीं मरने का, ऐसे नहीं मरने का, वैसे नहीं मरने का। भगवान ने उसको उसके पॉलिसी के साथ फाड़ के मार दिया। तो ये भौतिकवादी लोगों का हाल है। तो होल पॉइंट इज, अगला पैराग्राफ पढ़ो। कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकश्यपु जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो फिर आज के शूद्र हिरण्यकश्यपु भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रतिक्षण गला घुटता रहता है। क्या भाषा है उनका। योजना जब बना रहा है तभी उसी योजना का गला दबाया जा रहा है प्रकृति के द्वारा। पंचवार्षिक योजना, दशवार्षिक योजना, वो भौतिकवादी सोच रहे हैं कि हम होंगे कहाँ, आप कैसे तो करके हम भौतिक जगत पे हमारा राज बना ही देंगे। लेकिन भौतिक प्रकृति ऐसी है, वो विकट हास्य करती है।
आपने देखा है काली, काली का कौन है? दुर्गा का भौतिक जगत का रूप को काली बोलते हैं, उसके दशावतार है ना काल, तो उसमें काली के भी अलग अलग रूप है, केवल भौतिक जो फीचर है उसके 8 रूप है, उसमें से एक रूप है चंडी, चंडी या भद्रकाली मैं भूल रहा हूं, एक कोई तो वो रूप इतना खूंखार है, मैं थोड़ा वर्णन बताता हूं क्योंकि हाल ही में नवरात्रि वगैरह सब करके आए लोग, वो काली इतनी पागल है भौतिकवादियों के ऊपर और वो दिखाना चाहती है उनको कि कितना ये भौतिक जीवन व्यर्थ है। वो चंडी ने अपना खुद का ही सर काटा हुआ है, उसको अपने ही हाथ में पकड़ के वो खून पी रही है क्रोध में आकर भौतिकवादी लोगों के ऊपर। मैडनेस का हाइट बोलते ना इसको, किसी व्यक्ति कोई पागल हो, मतलब कितना पागल हो सकता है किसी क्रोध के कारण। तो क्या बताना चाह रही है कि तुम प्लानिंग करना छोड़ दो, चुपचाप भगवत धाम जाओ, नहीं तो तुम्हारा मैं अच्छे से वाट लगाऊंगी। दैट इज व्हाट शी इज इन शॉर्ट, सरल भाषा में बोलना है तो वो ये बता रही है वो कि उसको गुस्सा क्यों है। माया क्या चाहती है बद्ध जीवों से? वो भगवान भक्ति को अनुकूल करे और भगवत धाम वापस जाए। अब जब ये भौतिक जीव ऐसे नहीं करते हैं तब उसको गुस्सा आता है, तो सबके प्लान को तहस नहस करने के लिए वो बैठी है। उसका वही मेन काम है। माया का काम क्या है? भौतिक प्लान को उध्वस्त करना। जो जो फर्स्ट क्लास प्लानिंग चलता रहता है दुनिया में वो उसको उध्वस्त करती है। जैसे हमने देखा था टाइटैनिक है ना, फर्स्ट क्लास प्लानिंग किया था उन्होंने, उसका एडवर्टाइजमेंट था वो बोट का, द बोट दैट इवन गॉड कैनॉट सिंक, भगवान भी उसको नहीं डुबा सकते। वो पहला यात्रा में ही डूब गया वो। और वो उसी कारण से डूबा जो कारण उनको कॉन्फिडेंस दे रहा था कि ये डूबेगा नहीं। क्यों पता है ये कारण आपको? वो टाइटैनिक जो था उसका हल, हल मतलब पानी के सतह के नीचे जाने वाला जो भाग रहता ना नाव का, उसको हल बोलते हैं, HULL। तो उस हल में पहली बार टेक्नोलॉजी निकला था कि उस हल के जो बड़ा है ना वो, उसमें जितना निर्वात रहता है, हवा रहती है, उतना तैरता है। तो उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए और उन सब कंपार्टमेंट को एक दूसरे से वाटर टाइट कर दिया, एयर टाइट कर दिया। तो अभी क्या होगा, अगर ठोका भी किधर तो बोट ने, तो एक कंपार्टमेंट टूटेगा, पानी अंदर आएगा, लेकिन पूरे बोट के हल में पानी नहीं घुस सकता क्योंकि वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है सब, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए उनको कॉन्फिडेंस था कि ये बोट नहीं डूबेगा। और हुआ क्या, जब वो जो हिमनग था जिसको जाके ठोकर मारा उसने, उस बोट ने, तो ये जो इंजीनियर था उस बोट को बनाने वाला, उसने बोला था स्पॉन्सरर को, मालिक को बोट के, कि ये जो मेटल यूज कर रहे हैं आप ये गलत है कंपार्टमेंटलाइजेशन करने के लिए, इसका ये आयरन ग्रेड जो बनाया है मतलब लोहे का, ये ठीक नहीं है। मेरा डर है कि अगर ये ठोकता है किसी जगह तो ये ना तो एक क्रैक होएगा, वो कंपन होता है ना तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण सारे कंपार्टमेंट साथ में क्रैक होएंगे, और ये ज़्यादा स्पीड से डूबेगा, रेगुलर बोट भी कम स्पीड से डूबता है, तो ये ज़्यादा। तो वो मालिक ने कहा अरे जाओ, मेरे पास यही है करने के लिए, तुम करो ये काम। तो उसने किया, तो भगवान ने, तो वास्तविकता में ऐसा हुआ कि वो बोट इतने फास्ट डूबी कि उसके पास पहुंचने तक कोई मदद या कुछ भी चीज कोई बच नहीं सका उसको। तो काली चंडी जो मैं उदाहरण दे रहा था अभी कि वो उसका जो रूप है वो कैसा है, जो भी योजना बनाता है भौतिक जगत में कोई व्यक्ति जिसके द्वारा वो भौतिक प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, भगवान का भक्त बने बिना अमरत्व या आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो चंडी बैठी है उसकी वाट लगाने के लिए। उसका सही वाट लगाकर दिखाती। तो इसीलिए ये सारा वर्णन प्रोपा जी कर रहे हैं। तात्पर्य में, सारांश में, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का जो मार्ग है
वो हमको मृत्यु लोक की तरफ अग्रसर करता है. सेंस ग्रेटिफिकेशन मेक्स अस मॉर्टल, इसीलिए उसको हमको रेगुलेट करना ही चाहिए. और कृष्ण भावना का जो मार्ग है वो हमको अमरत्व प्रदान करता है, तो उसके लिए अच्छा प्लानिंग करना चाहिए. और भौतिक जीवन को कृष्ण भावना के इर्द गिर्द आयोजित करना चाहिए. हम ऐसे नहीं कह रहे कि पूरा ही प्लानिंग बंद कर दो, लेकिन उसका जो केंद्र है वो इंद्रिय तृप्ति मत रखो, कृष्ण भावना रखो. ठीक है, आगे पढ़िए. श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है. लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक है कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते. स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवतधाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए. तात्पर्य यह है कि हम वैसे तो कठोर संघर्ष कर ही रहे हैं ना, इंद्र तृप्ति के लिए तो कर ही रहे हैं, भौतिक उपाय योजना करने के लिए तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा ही कठोर संघर्ष थोड़ा कृष्ण भावना प्राप्ति के लिए किया जाए. ऐसे वो प्रश्न पूछा जा रहा है. बेटर वर्क हार्ड फॉर द राइट थिंग फॉर द राइट पर्पस. आगे पढ़िए. जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है. इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंद में जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए. बुद्धिजीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भुला चुका है. बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थाई जन्मस्थान को ही सर्वस्व मान लिया है. भगवान ने कृपा करके भारत में उपर्युक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है. जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है. तो ये छठा पैराग्राफ से लेकर 14वें पैराग्राफ तक क्या चलेगा? अमरत्व तभी संभव है जब कृष्ण की शिक्षाओं को हम अपनाते हैं. इसके पहले क्या था? भौतिक रूप से अमरत्व असंभव है. अभी क्या टाइटल है? 6 से लेकर 14 तक अमरत्व तभी संभव है जब हम कृष्ण शिक्षा को अपनाते हैं. अभी 6 और 7 में खास करके कृष्ण हमें अमरत्व प्रदान करने के लिए आते हैं, उसका वर्णन चल रहा है. तो प्रभा जी ऐसे क्यों कर रहे हैं कि भगवान ने केवल भारत पे ही नहीं अन्य देशों में भी शास्त्र प्रदान किए हैं? इसका मतलब कुरान बाइबल जो है वो हालांकि पूरा वैदिक उसमें विस्तार रूप से गहनतम ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए है लोगों की, वो कुछ तो अमरत्व की ओर बढ़े. तो इसलिए वो प्रभुपाद जी ऐसे कह रहे हैं. आगे पढ़िए. भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके. और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं. चूंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान है, उनके अंश है, अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं. इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं. बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं. आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है और जो मनुष्य इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधाम कहलाता है.
तो पहले मतलब छठे पैराग्राफ में बताया गया था कि भगवान आते हैं, अभी अमरत्व प्राप्त करने की चाह है तो उसके तीन उपाय हैं। पहला है स्वयं भगवान आते हैं, दूसरा है वो अपने सर्वेंट्स को भेजते हैं, और तीसरा है शास्त्र देते हैं। तो इनका एक के बाद एक वर्णन आएगा। तो पहले पैराग्राफ में क्या था? भगवान आते हैं। अभी ये सातवें में क्या चल रहा है? सेवक आते हैं भगवान के। तो हम देखते हैं कि तीन प्रकार के मार्ग इस पृथ्वी पर है। कुछ धर्म है वो सर्वसामावेशक धर्म है, उनको इंक्लूसिविस्टिक बोला जाता है। इनका क्या कहना होता है कि एक सर्वसामावेशक तत्व है, वो है भगवत प्रेम। ये सभी धर्मों को बांध सकता है कि नहीं, ऐसा इनका कहना है। फिर कुछ अलग प्रकार के धर्म है, वो कैसे है? असामावेशक, क्या कहेंगे उसको? एक्सक्लूसिविस्टिक। एक्सक्लूसिविस्टिक को क्या कहते हैं? अमित शाणे। जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, वो क्या है? असामावेशक है। वो बोलते हैं कि मेरा धर्म, मेरे भगवान और मेरा मार्ग ही एकमात्र है, और बाकी सब लोगों के पास इस मार्ग के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं जिससे वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है वो इनको बोलते हैं मोनोपोली क्लेम कर रहे हो भगवान के ऊपर। हाँ, हम लोग का मोनोपोली है। तो एक असामावेशक धर्म कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जीसस इज द ओनली वे, ऐसा उनका कहना रहता है। और तीसरे लोग हैं, उनको कहते हैं प्लूरलिस्टिक रिलीजन। प्लूरलिस्टिक का मतलब है यतो मत ततोपत। तो ये लोग क्या कहते हैं? उनका कहना है आपको प्रेमी करना है ना, पेड़ों को गले लगाओ, कुत्तों को गले लगाओ, दरिद्र नारायण को गले लगाओ, ये भगवान भगवान करके क्या बैठे तुम लोग, निसर्ग को गले लगाओ, इसको गले। तो उनका वो प्लूरलिस्टिक मतलब ये सारे भगवान से आए हैं, अंश है उनके, विभूतियां हैं इत्यादि, लेकिन हम शेर को जाके चुंबन नहीं दे सकते कि तुम कितने स्वीट हो भगवान के ना अंश हो ऐसे। तो ये एक विकृत और ही तरीका है। तो भागवत धर्म कहाँ है? सर्वसामावेश। क्रिश्चियनिटी इस्लाम कहाँ है? आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ है? तो उनका प्रकटीकरण है वो। तो उनको लगता है कि ये सब चलता है, एवरीथिंग इज ओके, और एवरीवन हैज देयर वे टू एक्सप्रेस देयर लव एंड एवरीवन्स एक्सप्रेशन ऑफ लव इज ओके। कैसे भी तुम करो, प्रेम करो, बस प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम प्रेम प्रेम। तो ऐसे उनका भाषण में भी यही चलता रहता है बहुत बार। तो इसे कहते हैं प्लूरलिस्टिक। लेकिन भागवत धर्म भी इन तत्वों को बांध सकता है, क्योंकि एक बोनाफाइड डेफिनेशन देता है, सवई पमसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। वो एक क्राइटेरिया देता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है कि नहीं, तुमको कैसे समझ में आएगा, वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, उस प्रेम से तुम वह व्यक्ति, आत्मा मतलब शरीर नहीं, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं। यह आत्मा सुप्रसिद्धति। और ये जो है वो केवल अधोक्षज के साथ ही हमें प्राप्त हो सकता है, उनको प्रेम करके ही प्राप्त हो सकता है। तो ये हम सब क्यों कह रहे हैं इतना सारा वर्णन? तो हमें इन धर्मों के संपर्क में आते समय पर्सपेक्टिव पता रहना चाहिए कि वो किस एंगल से बात करते हैं, और उनकी घृणा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने सुना ना एकत्वम अनुपश्यतः, हम घृणा नहीं करते हैं, को मोह कशो कहा, तो इसलिए वो हम
ऐसे पेश आता है उनके साथ ताकि वो कभी ना कभी तो इसकी तरफ अग्रसर हो. स्पीक ट्रूथ इन सच अ वे दैट पर्सन कम्स क्लोजर टू एब्सोल्यूट ट्रूथ. सत्य को ऐसे बोलो कि व्यक्ति परम सत्य की ओर आकर्षित हो. यह हमारा तरीका है प्रचार का. तो ऐसे नहीं कि हमने सत्य ऐसा बोल दिया ना प्रभु वापस भक्त नहीं बनेगा कभी वो, है ना, ऐसे तो ये हमारा स्टाइल नहीं है प्रचार करने का. तो अभी ये जो पैराग्राफ था सातवां, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है. चूंकि सजीव भगवान की प्रिय संतान है, अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा भगवान अधिक दुखी होते हैं. ऐसा होता है ना, लड़का ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग लेके मर रहा है, उसका दुख हो रहा है तो वह एक बात है, लेकिन उसके माता पिता को जो लगता रहता है उसको देख के, वो उससे भी ज्यादा दुख उनको होता रहता है कि नहीं. इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते हैं. तो जब भी कोई हम भौतिक भोग करने जाते हैं और कुछ उटपटांग चीज हो जाता है तो हमको क्या सोचना चाहिए, असंगतता. ये इनकम्पैटिबल था, मैं जो करने निकला था वो चला मुरारी ही वो बनने. हाँ, जीव है भगवान का अंश आध्यात्मिक, वो जाके भौतिक भोग करना चाह रहा है, फिर लात क्यों नहीं मिलेगी उसको. हाँ, बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं. वो चेतावनी को सीरियसली लेते हैं, जब लात मिलता है माया से तो सुधर जाते हो तुरंत, बोलते कि ये इनकम्पैटिबल है, मैं इधर क्यों कर रहा हूं ये उल्टे सुलटे काम. तो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति करवानी है हमसे तो बहुत जरूरी है गुरुनिष्ठा, क्योंकि भौतिक जगत के मोड्स जो है वो बदलते रहते हैं बारंबार और अलग अलग प्रलोभन आकर्षण दिखाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति तभी टिका रहता है जब उसकी निष्ठा किसमें स्थित है, अपने गुरु में. और उस गुरु निष्ठा के द्वारा उसको ताकत मिलती है तीन गुणों के द्वारा जो उसको पुशिंग्स क्या कहते हैं, धक्के मारे जाते हैं, भौतिक भोग करो 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 और करो, तो वो उससे विचलित नहीं होता, वो उसकी तरफ मुड़ के एक झापड़ मार देता, चुप तंग मत करो मुझे. ऐसे वो भक्त बन जाता है क्योंकि उसके गुरु के प्रति उसकी निष्ठा है. तो ये इसका तात्पर्य है. तो अभी आठवां पैराग्राफ देखेंगे, अविद्या का मार्ग. इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है. आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती. जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं. मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों को उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है. मूर्ख मनुष्य जो विद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहता है वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते. भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते. तो चेतावनी से सीख प्राप्त करनी चाहिए बोला था ना पहले, फिर भी कुछ लोग होते हैं वो सीख प्राप्त क्यों नहीं करते, उसका वर्णन चल रहा है. तो वो कह रहे हैं, जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था ना न्यूडिस्ट क्लब का, प्रभुपाद जी को बोला वहां जाके प्रवचन दीजिए तो सारे नंगे लोग आके बैठे थे. प्रभुपाद जी ने क्या कहा, शरीर के वस्त्र उतार कर जब बेयर सेंसेस नंगे इंद्रियों के द्वारा हम आनंद लेते हैं तो कितना आनंद आता है. ऐसे ये भौतिक शरीर क्या है, आत्मा के आध्यात्मिक इंद्रियों पर चढ़ाया गया एक आवरण. अगर इसको भी उतार कर कोई फेंक दे और हमारे आध्यात्मिक इंद्रियों से आनंद ले तो कितना आनंद आएगा. तो सबको समझ में आ गया वो पॉइंट. हाँ, बोला वाह वाह वाह. तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, वो मेथड क्या है भौतिक आवरण को फेंकने का,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये शटडाउन कमांड है, भौतिक जीवन को खत्म करने का कमांड। तो सावध, आप हरे कृष्ण बोल रहे हो अगर आप आसक्त हो और ऐसे गा रहे हो तो थोड़ा खतरा है आपके लिए। इसका मतलब क्या है, और गाओ। जनरली रिस्ट्रिक्शन जिसके ऊपर लगाया जाता है वो महंगा हो जाता है ना, आकर्षक हो जाता है वो चीज, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं, क्या शब्द है वो, वे उस क्रूर विधि, मतलब बाहरी वस्त्र उतारो पहनो, उतारो पहनो, शरीर को स्थित्यंतर करते रहो, इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। आपने देखा है, मैंने बोला था एक दिन, वो एक गाड़ी जा रही थी फोर व्हीलर, उसके पीछे कांच पे लिखा था ईट एनीथिंग ड्रिंक बियर एंजॉय सेक्स डाई एनीवे, समझा मतलब क्या है कि खाओ जो खाना है, जो जितना मैथुन करना है करो, दारू पियो, मरो कैसे भी, क्या फर्क पड़ता है, डाई एनीवे। तो ये इसको कहते हैं डिटरमिंड मटेरियलिस्ट, मतलब पहुंचा हुआ है वो एकदम भौतिकवादी। और एक बार मैंने देखा था पता नहीं ऐसे बहुत मेरे साथ भी लोग आते हैं ऐसे, वो एक बहुत ढोर मेहनत करने वाला व्यक्ति था, मजदूर जो ऐसे, आपने देखा मार्केट यार्ड में वो ऐसे बड़े बड़े बोरी उठा के, माल उठा के से ढोके ला के डाले, इतना मेरे को कष्ट होता है उसको देखकर, कष्ट होता है कि वो कितना उठा रहा है, 60 किलो 80 किलो 100 किलो क्विंटल कभी उठाता है वो, उसके सारे धमनियां दिखते हैं शरीर के अंदर के। तो उसके टी शर्ट पे लिखा था नो रूल्स, क्या लिखा था मेरे ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते। अरे कर क्या रहा है वो व्यक्ति, कर क्या रहा है, उसके शर्ट पर क्या लिखा है, उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है, मतलब इतना उपहासात्मक माया कभी चीज कर देती है किसी के साथ। जीव को चाहिए नो रूल्स, लेकिन वो किधर है, वो लीला में है, कर्म ग्रंथि के द्वारा, ये भौतिक अविद्या वाला जगत है उसमें ये नहीं है नो रूल्स। तो इसीलिए इस क्रूर विधि की लोग चिंता नहीं करते। बोलते हैं ना लोग कभी कभी, क्या है मरना तो एक दिन सबको है, ये सब भक्ति करके क्या मिलने वाला है, तुम लोग ये सब हरे कृष्णा हरे रामा करते रहते हो, दशा नहीं, जुआ नहीं, व्यभिचार नहीं, ये अंडा नहीं, मछली नहीं, मांस नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, और ये सब करने के बाद अगर तुमको एक दिन पता चल गया मरने के बाद कि कृष्णा ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तुम क्या करोगे, है कि नहीं। ऐसा एक प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा था किसी ने, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, बोला थियोरेटिकली मान लेते हैं कि ऐसा है नहीं, कृष्ण नहीं है, आत्मा नहीं है, मरने के बाद हम फर्टिलाइजर बन जाते, ठीक है, तो फिर भी हमारा जो जीवन है वो आनंददायक था, है कि नहीं। सुबह 4:30 बजे उठ के कोई नाचता है दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई है इधर माइका लाल जो 4:30 बजे उठ के पहला काम करता नाच देगा नहीं, ऐसे ही हम जो प्रसाद पाते हैं उसके जो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद है ना, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, कटु अम्ल लवण इत्यादि, उसका जो कॉम्बिनेशन परमिटेशन होता है उसका इतना फाइन फूड टेस्ट एंजॉयमेंट, भक्त छोड़कर किसी ने खाया है कभी। अमेरिका में जो प्रूपा जी गए थे उन्होंने इतने स्पाइसेस को कभी चखा ही नहीं था जो प्रूपा जी बनाकर देते थे उनको, सिर्फ पेपर एंड सॉल्ट, वो भी मास्क के ऊपर डालो, फ्रिज में से निकाल के उसको ओवन में गर्म करो इलेक्ट्रिसिटी पे और उसको कुत्ते के जैसा खाओ, इतना ही पता था। प्रभुपाद जी ने सिखाया, अरे भोग करने के तरीके होते कुछ अच्छे से कैसे खाया जाता है जीवन में। तो ये जो सारा हमारा कल्चर है, हमारे ड्रेस, हमारे डांस, हमारा म्यूजिक, एक हाई क्लास एंजॉयमेंट है। भौतिक रूप से भी देखा जाए तो इसके जैसा बढ़िया एंजॉयमेंट भौतिक जगत में नहीं है। उधर डिस्कोथेक में जाते हैं तो इतना पैसा देना पड़ता है,
यहां पर हम आप ही के पैसे लेकर आपके इंद्रियों की तोड़फोड़ करके देंगे। तो कान में इतना खतरनाक म्यूजिक बजाते हैं और वो व्यक्ति पूरा पागल होके ऐसे बाहर जब निकलता है तो उसको समझ में ही नहीं आता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, यू नो। तो ये क्या एंजॉयमेंट है? तो इतना पेमेंट, छोटा सा एंजॉयमेंट एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है कि नहीं? साइड इफेक्ट कितने निकलते हैं उसके? लेकिन हम लोग बोल रहे फ्री में एंजॉयमेंट, पूरा एंजॉयमेंट, दो साइड इफेक्ट्स। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि हमारा ऑप्शन तुम्हारे ऑप्शन से कई गुना ज्यादा अच्छा है। अगर हम इल्यूजन में भी जी रहे कि कृष्णा आत्मा है नहीं, फिर भी हमारा जीवन भौतिक स्तर पे तुम्हारे से बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, प्रभुपाद जी ने पूछा वो तोप को उसकी मुंह में करते हुए, कि अगर तुम्हारे मृत्यु के टाइम तुम्हें पता चला कि आत्मा है, यमदूत आते हैं और कृष्ण भी है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हारा तो हालत ना घर का ना घाट का। हाँ, तो हमने भौतिक जीवन को भी अच्छे से एंजॉय किया, मरते समय भगवत धाम भी वापस जाएंगे। तुमने ना भौतिक जीवन को ठीक से जिया, एंजॉय किया, मरते समय तो और डंडे पड़ेंगे तेरे को। हाँ, यमराज के द्वारा विशेष ट्रीटमेंट। हाँ, तो इसलिए क्रूर विधि की चिंता करनी जरूरी है। हाँ, ये लोगों को समझाना चाहिए। एक बार हमारे बद्री नारायण स्वामी करके हैं, तो अमेरिकन है वो, पहले वो टेंपल प्रेसिडेंट थे, अभी उन्होंने संन्यास लिया। तो उनके जो दादाजी थे वो मरने वाले थे, तो इनको फोन आया तो पहुंच गए वहां पे, और विदुर का धृतराष्ट्र का जो संवाद है पहले स्कंद में भागवत के, उसमें विदुर कैसा डांट रहा है ना, तुम्हारे दांत गिर रहे हैं, नाक बह रहा है, पचन नहीं हो रहा है, घुर घुर आवाज आ रही है, ऐसा सब होने के बाद भी तुम ये देह को लेके बैठे हो, आध्यात्म के बारे में चिंता नहीं कर रहे हो, भीम जिसने तुम्हारे लड़के को मारा उसने फेंके हुए ब्रेड के टुकड़े तुम कुत्ते के जैसे खा रहे हो, ये सब भाषा उधर आती है। तो वो जो आवेश में आकर ये हमारे वो 20-25 साल के रहेंगे, वो अपने दादाजी को पूरा भागवतम पढ़ के सुना रहे हो, मर रही वाले हो, और वो सब सुन के उनके बाकी के पिता माता उनके भाई बाकी सब बोल रहे हैं, हे बेटा रुको रुको, ये सब उनके साथ कहने की अभी जरूरत नहीं है। तो उनको बोल रहे चुप चुप, तेरो चलो बाहर निकलो तुम। तो वो दादाजी ने कहा तुम लोग सब शांत बैठो, ये लड़का जो बोल रहा है वो सब सच है, तुम सब लोग मेरे को ठग रहे हो फालतू मैंने आश्वासन देकर मेरे जीवन के बारे में, लेकिन ये जो बात बोल रहा है ना सब घुस रहा है मेरे अंदर, बराबर बोल रहे हैं, बोलने दो उसको, यू नो। तो उसके बाद उनको और जोश आ गया प्रचार करने के लिए। तो ये क्रूर विधि की चिंता करने की जरूरत है, अभी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बाद में लेट हो जाता है। और चिंता ना करने का एक परिणाम निकलता है, वो है भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होना। इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज में सेक्स लाइफ। जैसे कोई मैनेकिन रखा रहता है उसको जाके कोई चाटता नहीं है या उसको कोई एम्ब्रेस नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है हमको कि ये प्लास्टिक का या कुछ तो उल्टा सुल्टा बना हुआ। लेकिन वही भौतिक मटेरियल को ऐसे शरीर के रूप में डाल के दिया जाए पुरुष या स्त्री के रूप में, भ्रामक सौंदर्य से मोहित होना, तो व्यक्ति अपने अटैचमेंट को इतना घुसा देता है उसके अंदर कि उससे ऊपर नहीं उठ सकता जल्दी। तो एक तरफ वो कह रहा है कि मेरे को मृत्यु से डर नहीं लगता, और दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है, उसको कोई अकल ही नहीं है ये सब भौतिक भोग करते समय किस तरह से वो शिकार हो रहा है प्रकृति के नियमों का। तो इसीलिए ये जो ईशोपनिषद का ज्ञान है ये बहुत सटीक है। इसका एकमात्र उद्दिष्ट यह है कि ये जो अध्यात्म विद्या है ये पूरी पूरी कैसे आत्मसात हो व्यक्ति के अंदर, जिसके द्वारा वो अविद्या के सेवन से ऊपर उठ जाए, क्रूर विधि की चिंता करे मृत्यु रूपी और भ्रामक शक्तियों के सौंदर्य से मोहित ना हो। ठीक, नोवा। अतः विद्या अर्थात
दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इन शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकतावाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्ध आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए यह आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था तक रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक सम्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिज्ञ चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्री शोभनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए, जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। तो वो बहुत सुंदर उदाहरण है कि कोई रुग्ण होता है, उसके शरीर का तापमान नॉर्मल कितना होता है, टेम्परेचर 98.5 फारेनहाइट है ना, और जब ताप बढ़ जाता है शरीर में तो वो अस्वस्थ होता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो हम दवाई देकर क्या चाहते हैं, मतलब अभी रुग्ण के लिए दवाई मतलब आध्यात्मिक विद्या, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए करने का कारण है, कि वो स्वस्थ बने, जिससे ऐसे नहीं कि उसका टेम्परेचर हमको जीरो कर देना है। हमको क्या करना है, उसका टेम्परेचर 98.5, अगर वो 104 103 था, हाँ, वो नहीं चाहिए। तो हम सबको कहानी पता है, सासूबाई सुनबाई, हाँ, वो जो डॉक्टर इन लॉ थी वो बीमार पड़ गई, और उसकी सास भी, तो वो भी बीमार पड़ गई। तो डॉक्टर आया, उसने थर्मामीटर डाल के दिखाया, तो वो जो सासू माँ थी उसका टेम्परेचर था 103, और जो डॉटर इन लॉ थी उसका टेम्परेचर था 105। तो सासू माँ इतनी भड़क गई, बोला उसका ज़्यादा, मेरे से ऐसा कैसा हो सकता है, डॉक्टर कुछ करो उपाय योजना आप, ताकि मेरा भी उसके इसका कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो डॉक्टर ने बोला, अरे क्या मूर्ख है क्या, ये टेम्परेचर जो तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है अस्वस्थता का लक्षण नहीं है, स्वस्थता का लक्षण नहीं है। तो ऐसे ही भौतिकवादी एक व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति ना इतना इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, कितना अच्छा भगवान से दूर जा रहा है ना, और हमको उसको लगता है कि मेरा 2 BHK लेके बैठा हूँ, या मेरा ये छोटा मोटा कुछ तो चला रहा हूँ, मैं और तरक्की करूँगा, मैं अपने भौतिक फीवर को और बढ़ाऊँगा। वो इतना मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, उसका हालत बुरा है, हमें तुलना करनी है स्वस्थ व्यक्ति के साथ। तो आप ऐसे भक्तों को देखिए जो आपके ही समान फाइनेंशियल स्टेटस का है, लेकिन अच्छे से स्थित है भक्ति में, अभी उसके साथ तुलना करके दिखाओ, तब समझ में आएगा कि अच्छा जीवन किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में जिया जा सकता है, उसके लिए एक विशिष्ट स्तर की जरूरत नहीं होती। आपने देखा है कुछ गरीब भक्त होते हैं, इतने खुश रहते हो, जैसे मैं जाता हूँ मायापुर, हमारा एक यहाँ का कुक था, हमारे वॉइस में कुकिंग करता था, तो
उसका उद्धव नाम का लड़का है, अभी मैं उसका नाम भूल गया, उद्धव के पिताजी। हाँ, तो मायापुर में जाके रह रहा है, इतना सरल जीवन है, झोपड़ी के जैसा घर है उसका, और लेकिन उसको देखो उसका चेहरे पे ऐसा स्मिता ऐसे रहता है, वो GBC's के लिए कुकिंग करता है वो वहाँ पे सबके लिए, और हमेशा खुश रहता है। मैं उसको पूछा कितना आमदनी है तुम्हारा, बोला 12,000 रुपये। मैंने बोला 12,000 रुपये सब चल जाता है तुम्हारा, सब चीज़ बड़े बढ़िया चल रहा है जीवन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे को। तो मैंने बोला तुमको थोड़ा फाइनेंस मैनेजमेंट में क्लासेस देने के लिए बुलाऊंगा मैं अपने पुणे ड्यूटीज के लिए। तो इतना खुश मैंने उसको कभी नहीं देखा था, वो पूरा में था तो मिजरेबल था वो, हालांकि इधर भी 12,000 कमाना था, लेकिन तो ये भौतिक दशा का अनियंत्रित अनियंत्रण या तो ये इसके लिए सारा लिखा जा रहा है कि हमें रेगुलेटेड भौतिक जीवन जीना है और आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर ध्यान देना है। पढ़िए आगे। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार के रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना सही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतएव अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश तक रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलित कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते। मतलब हमारे जो ऋषि मुनि है, वैदिक साहित्य है, उसमें क्या देखते हैं हम, भौतिक ज्ञान को भी बताया गया है। तो हम जो देखते हैं, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, या काम शास्त्र है, तो अलग अलग वेद है, दंड वेद है, लॉ एंड पनिशमेंट, स्थापत्य कला, स्थापत्य वेद है, गंधर्व वेद है म्यूजिक के लिए, या फिर आयुर्वेद है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये सब क्या है? ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दिया गया है 98.5। ऐसे नहीं कि आध्यात्मिक जीवन या कृष्ण भावना की सभ्यता बताती है कि अरे भौतिक जीवन सब बकवास, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये नहीं बताते हम। हम बोलते हैं कि उसको उतना ही करो जिससे तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन हो सही जगह पर। लेकिन प्रभुपाद जी को एक बार हॉपकिंस नामक एक थे स्कॉलर, उन्होंने प्रश्न पूछा, थॉमस जे हॉपकिंस, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीचिंग। खतरनाक प्रश्न है। हमारे फाउंडर को पूछा गया था, विच इज योर एसेंशियल टीचिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग जो आप देने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी ने भागवत के वो श्लोक कोट किए, धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, अर्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः, कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो हमारा गोल क्या है? अपवर्ग। पूर्वज ने कहा धर्म है उसका पालन, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म हो, आध्यात्मिक धर्म हो, अर्थार्जन के लिए मत करो, अपवर्ग प्राप्ति के लिए करो, भौतिक जगत से ऊपर उठो। और अर्थ तुम्हें प्राप्त होगा ही अगर तुम धर्म पालन करते हो। यू विल गेट वैल्यू एंड प्रोड्यूस वैल्यू इन सोसाइटी, अर्थ, उसमें कोई संशय ही नहीं है, अर्थ मिलेगा तुमको। लेकिन उस अर्थ को, अर्थस्य धर्मैकान्तस्य, इस धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ गया अर्थ, कामो लाभाय ही स्मृतः, उसको काम वासना को तृप्त करने में ही केवल मत लगाओ।
काम लाभ करने मत के लिए ही केवल मत लगाओ, मतलब काम लाभ करो, भौतिक इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करो। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, काम मतलब क्या है, भौतिक इच्छा करने की क्षमता, उसको काम कहा गया है। उसको किधर लगाओ, इंद्रिय तृप्ति के लिए मत लगाओ, इच्छा करने की क्षमता को किस में लगाओ, उतनी ही इच्छा करो कि मेरा शरीर और आत्मा साथ रहे, जिसे मैं अच्छे से भक्ति करूं। लाभो जीवेत यावता, कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, ऐसे प्रभुपाद जी कहते थे, जितना जरूरी है उतना, और बाकी समय का क्या करो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो तुम्हारा सारा बाकी समय जो है वो तत्व जिज्ञासा के लिए दो, नार्थो यश्य, उसके बड़ा, इससे बढ़कर और अर्थ तुम्हें कोई प्राप्त नहीं होगा कहीं। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू यू कैन गेट इन लाइफ। तत्व जिज्ञासा करने से तुम्हें अपवर्ग प्राप्ति होगी, भगवत धाम प्राप्त होगा, उससे बढ़कर और वैल्यू नहीं है किधर। तो प्रभुपाद जी ने बोला उस हॉपकिंस को कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई टीचिंग, कि मैं जो देने के लिए आया हूं ये देने के लिए आया लोगों को। अभी आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, लोग धर्म पालन करते ही नहीं है, वो केवल अर्थ और काम के पीछे लगे हैं, और उनको मोक्ष से भी कुछ लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि अर्थ प्राप्ति करनी है, हिरण्य कशिपु है ना प्रभात बोल रहे थे, गोल्ड एंड सेक्स लाइफ, ये फोकस हो गया है लोगों का। अगर उसको प्राप्त करने के लिए मुझे थोड़ा धर्म मदद करता है, आई डोंट माइंड, बिजनेस एथिक्स मोरालिटी, तो उसके लिए थोड़ा बहुत धर्म लेके आओ तुम। जैसे मैं हाल ही में एक अमेरिका का कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, उसमें मेरे को बुलाया था प्रायोरिटी मैनेजमेंट उनके टॉप मैनेजर्स को सिखाने के लिए। तो बोला कि स्वामी जी यू कैन स्पीक बिजनेस वैल्यूज, प्लीज डोंट ब्रिंग इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो मैंने बोला दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी अमंग्स थीव्स, मन में ये चोरों के बीच में प्रामाणिकता की बात हो रही है। तो मैंने बोला हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, बिजनेस एथिक्स सिखाता हूँ तुमको। तो मतलब लोग इतने हो गए हैं कि बोलते अर्थ प्राप्ति के लिए कैसा करने का वो बताओ, लेकिन ये धर्म मत लेके आओ बीच में किधर, धर्म उतना ही बताओ जो बिजनेस चलाने के काम है, आध्यात्मिक उन्नति वगैरह हमको नहीं चाहिए इधर। तो ये हालत है दुनिया की। अगर ये अर्थ और काम साइंटिफिक एडवांसमेंट, वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा हम अगर प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें धर्म और नीति की जरूरत ही क्या है, उसको खड्डे में डालो। ऐसी मनोवृत्ति लोगों की हो गई है। लेकिन ऐसा अर्थ और काम जो वैज्ञानिक प्रगति से प्राप्त हो रहा है, धर्म के ऊपर आधारित नहीं है, ईशावास्य संकल्पना के विपरीत है, वो क्या होता है, सस्टेनेबल नहीं रहता, वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। इसीलिए जब इकोनॉमी डाउन हो जाती है अमेरिका में या कहीं अन्य जगह पर, या काम करने की जो अभिलाषा है वो इतनी जलाती है हृदय को, कि या तो व्यक्ति खुदकुशी करता है, या वो स्टेनगन निकल लेके बाहर निकलता है सबको मारने के लिए, मतलब क्यों व्यर्थ में जी रहे ये लोग भी, है कि नहीं। तो ये हम दशा देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो ये इसका कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए अगर शुरुआत करनी है तो यहीं से होगी, लेकिन ये सब के परे जाकर, ये तो इसके परे जाकर एक है प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी परे। तो ये एक्चुअली वास्तविक उद्दिष्ट है हमारे जीवन का, ये सबको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है आगे पढ़िए। इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पत्रभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी
इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पाने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। आपको ये शब्द समझ में आ रहा है? रुग्ण मानवीय कार्यकलाप, डिजीज्ड ह्यूमन एंडेवर्स। मतलब क्या है कि बीमार व्यक्ति होता है, उसके इतना बुखार आया है, सर दुख रहा है, शरीर में इतनी वेदना हो रही है, वो पड़ा है, और उसको अगर बोलता है कोई उठो थोड़ा चल के जाओ वहां पे खाओ पियो, तो बोलता है लेकिन अगर उसके पसंदीदा कोई उल्टे सुलटे पदार्थ लाए जाते हैं उसके सामने, तो क्या करता है वो? प्रयास करता ही है। उस रुग्णावस्था में भी उसको भोग करना चाहता है कि नहीं? लेकिन उस जो परहेज है जिसका, उसको उस पदार्थ अगर वो खाएगा तो क्या होता है? रुग्णावस्था और बढ़ जाती है। ऐसे ही हम ये भौतिक रोग, इंद्रिय तृप्ति का रोग लेके रुग्णावस्था में है। हमारा आत्मा जो है वो सच्चिदानंद अवस्था प्राप्त करके यहां वहां कुछ महान कार्य नहीं कर रहा है, सब पड़े ऐसे। तो उसमें आके अगर और इंद्रिय तृप्ति देता है हमको कोई, और हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, इररेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, तो क्या होता है? रुग्णावस्था और बढ़ जाती है। तो इसलिए वो रुग्ण मानवीय क्रियाकलाप, उसका वो वर्णन कर रहे हैं। करना यह है कि रिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट लेनी है और औषध ही लेता रहना है आगे। औषध लेते रहो तो धीरे धीरे स्वस्थता आएगी। फिर स्वस्थ जीवन में आप नॉर्मल जो कार्य होते हैं, खाना पीना सोना खेलना कूदना, वो आपको आनंद देते हैं, वो रुग्णावस्था में आनंद नहीं देते। ऐसे ही जब हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे औषध प्राप्त करके लेके, तो उसमें जब लीला करेंगे भगवान के साथ, यही कार्य यहाँ पे जो कर रहे हैं, खेलना कूदना काम करना कुकिंग करना बातें करना गाना नाचना, वो उस अवस्था में बहुत आनंद देगा। लेकिन तब तक थोड़ी कड़ काढ़ा मराठी म्हणतात, यू हैव टू टेक सम ट्रबल टिल देन। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः। भगवान कहते हैं कि काम क्रोध से उद्भव जो वेग है उसको नियंत्रण में रखो, कब तक? मरने तक, तब तक तो तुम सयुक्तः जुड़े रहोगे, सुखी न रहा, और तुम सुखी रहोगे भगवत भक्ति के द्वारा। लास्ट नेक्स्ट। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य का साक्षात्कार क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में होता है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय वाले व्यक्ति की होती है जिसने उपयुक्त दसवें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों की भगवान की भक्ति में सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसमें भगवत भक्ति पहले से ही सिखाई जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो बाद में बड़ा होने के बाद बताएंगे उसको कभी, नहीं तो तब तक वो इतना बीमार बन जाएगा रुग्ण इंद्रिय तृप्ति करते करते कि उसको ठिकाने लाना मुश्किल हो जाएगा बाद में। दूसरा है वो वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। उस श्लोक को पूर्वपद बता रहे हैं कि कैसे परम सत्य तीन स्तरों पर जाना जाता है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, और ये आदेश है कि ये तत्व तुम जानो। ये सजेशन नहीं दिया गया कि तुम कर सकते हो, इन तत्वों को तुम्हें जानना ही है। पढ़िए आगे। तो ये भागवत के अनुरूप विद्या कैसे प्राप्त होती है उसका वर्णन हुआ।
अभी आगे वर्णन आएगा 13वें इसमें कि यह विद्या वास्तविक विद्या है भक्ति, जो जीव को भगवान के संबंध में पूर्णत्व सिद्ध करा देती है। तो ये इस विद्या को सीखना है, भक्ति विद्या को, तो कहाँ से सीखे? पढ़िए। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी भक्ति अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हम अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत में विद्या के अनुशीलन को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च धेयः पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तो ये प्रश्न पूछा था ना कि जीते समय और मृत्यु के समय व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, तो उसका ये उत्तर है यह श्लोक। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्य धेय पूज्य। ये उत्तर है, जीते समय भी यही करो, मरते समय तो खास करके करो। ये उस प्रश्न का उत्तर है, और ये उत्तर जिसको प्राप्त हुआ है और उसको पालन करता है वो अमरत्व प्राप्त करेगा। वो क्या था श्लोक में शब्द? अमृतम अश्नुते, ही विल एंजॉय इमोर्टैलिटी। वो अमरत्व को आनंद ले सकता है, अमरत्व का। अभी अंत वाला पैराग्राफ। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है। तो प्रभुपाद जी कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं? अविद्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम के शास्त्रों को पढ़ना वैदिक, लेकिन केवल इनको पढ़ने से हम भौतिक जीवन से ऊपर नहीं उठ सकते। हम भौतिक जीवन के दुखों से थोड़ा बच सकते हैं, लेकिन भौतिक जीवन के ऊपर नहीं उठ सकते। जैसे समुद्र में अगर नाव मिलती है तो समुद्र के खारे पानी के संपर्क से हम बच सकते हैं, बार बार तैरते नहीं बैठना पड़ता है। लेकिन केवल नाव होने से आप सेफ लैंडिंग नहीं हुआ अभी तक आपका। आपको कर्णधार, गुरु चाहिए, कैप्टन, फेवरेबल विंड्स चाहिए, वेदों का ज्ञान, और आपका भी डिटर्मिनेशन चाहिए नाव में बैठे रहने का, कूदने का नहीं बीच में समुद्र के अंदर वापस। तो ये सब करने के बाद आप भौतिक सागर को पार करके जाओगे, तो ये बाकी सारी जो चीजें हैं वो विद्या के अंतर्गत आएगी। आप समझ रहे? तो धर्म, अर्थ, काम का लक्ष्य भगवत भक्ति प्राप्ति होना चाहिए। तो भगवत भक्ति है विद्या, धर्म, अर्थ, काम है अविद्या, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह, दोनों सीखो। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब अविद्या की बात करते हैं तो हम वैदिक भौतिक ज्ञान की बात करते हैं। ये मॉडर्न मटेरियल नॉलेज जो है, ये शायद कुछ हद तक जहां प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से मैच होता है उनका ज्ञान, तब चल सकता है शायद, लेकिन इसका हम आश्रय ज्यादा नहीं ले सकते। ये हमें वैदिक साहित्य के द्वारा ही इस एजुकेशन सिस्टम को बनाना पड़ेगा, जो ये सारे ज्ञान को हमें भौतिक जीवन को भी अच्छा जीने के लिए मदद करे। अभी आजकल हालत ऐसी है, IIT से निकले हुए लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, उनको कब निकाल देंगे उसको पता नहीं है। और लोग कह रहे हैं हमको वही मार्ग करना ही है, अभी वापस लड़के को भेजेंगे हम, यू नो, 10वीं 12वीं IIT करते करते फिर एंड में जाकर खड्डे में वापस, इकोनॉमी के खड्डे में, यू नो। अरे दूसरा कोई मार्ग ढूंढो तुम। एक व्यक्ति था, ब्रह्मचारी था, जू मंदिर में, बाद में उसने शादी करी, तो उसने जाके किसी दिग्गज व्यक्ति से नाड़ी परीक्षा सीखी, नाड़ी को कैसे, और उसके पास वो अंदर खूबी कला खुद भी थी, मतलब भगवान का तो ब्लेसिंग था, तो केवल नाड़ी पकड़ के वो बताता है। और गोमूत्र है ना, तो अलग अलग प्रकार के गोमूत्र होते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। ऐसे कहा जाता है कि भारत में 120 प्रकार की गायें थी, अभी कम बची है, उनके टाइप्स कम हो गए हैं, और वो 120 टाइप के हॉस्पिटल्स थे।
मतलब अस्थि के लिए, यू नो, अस्थमा के लिए, फिर इत्यादि। तो एक एक गाय का जो गोमूत्र निकलता था वो उस विशिष्ट चीज के लिए मेडिसिन होता था, समझ रहे हैं आप। तो ये जो व्यक्ति है अभी, उसने वो सारा ज्ञान जो है वो तीन गायों के तीन टाइप के गोमूत्र में उसने समाहित किया है। तो वो करते क्या है, नाड़ी परीक्षा करते और गोमूत्र देते और बीमारी ठीक करते, और उनका जो इनकम है वो सारे आईआईटी के दो तीन गुना ज्यादा है जो काम करते हैं, और उनका बिजनेस कभी बंद नहीं पड़ने वाला है। चाहे बड़े बड़े एमएनसी चले या ना चले, लोग बीमार तो पड़ने वाले और वो इनके पास जाएंगे और ये नाड़ी परीक्षा के द्वारा उनको ठीक करते रहेंगे। तो कौन श्रेष्ठ है, जिसने अविद्या जो वेदों में दी थी, भौतिक ज्ञान, शरीर को कैसे बनाए रखना, वो ज्यादा ठीक था, या इसने जो अविद्या प्राप्त करी, इतना सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके बैठा था, वो ठीक था। तो इसीलिए हमारे बच्चों को हमें एकेडमिक एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन ये वेदों के अंदर जो बाकी सारी चीजें दी है उसको भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम केवल बोलते हैं कि अरे पुराणातली वांगी पुराणाथ, सब ओल्ड इज नॉट नीडेड नाउ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो संक्षेप में, इसके आगे आप अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखो कि आप आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन के लिए क्या कर रहे हो और उसको अनुशीलन पालन करने के लिए क्या कर रहे हो। आप वेदों में दिया गया हुआ कोई तो एक ऐसा फील्ड पकड़ो जो भौतिक ज्ञान का है लेकिन आपके स्वभाव के साथ मैच करता है, उसको भी पकड़ के उसमें माहिर बनना शुरू करो, और उसका वैल्यू प्रोडक्शन समाज के भलाई के लिए करो, कुछ तो निकालो उसमें से मूल्य समाज के भले के लिए। इस दो प्रक्रिया के द्वारा आपको आपका भौतिक मेंटेनेंस मिलता रहेगा और आपको अपना आध्यात्मिक जीवन उज्जवल बनाने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जाए। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि इसमें 14 के ऊपर पैराग्राफ्स थे तो इसलिए लंबा है। अगला वाला क्लास हम 10 मिनट के बाद शुरू करेंगे, 5 से लेकर 6 बजे तक। हरे कृष्णा।